आप लोगों को स्क्रीन पर एक पिक्चर, एक फोटो दिखाई दे रही होगी। अगर आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान देखा होगा या फिर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो जरूर आप इस पिक्चर को, इस व्यक्ति को पहचानते होंगे। जी हाँ, ये मुकेश खन्ना है। और आप देखिए कि इन्होंने जहाँ भी रोल निभाया है उसमें अंदर तक घुस कर निभाया है। मेरा कहने का मतलब है कि आप देखिए कि शक्तिमान का इन्होंने रोल जो किया है शक्तिमान में, आप देखिए बच्चों को एक तरह से कितनी कितनी अच्छी तरह से, मतलब आप सोचिए, आकर्षित किया है। और महाभारत में आप लोग देख लीजिए, भीष्म पितामह, आप देखिए कि इनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ऐसा लगता है कि सच में ये भीष्म पितामह है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब अंदर तक, मतलब आप सोचिए कि इनके हर वो शब्द जो निकालते हैं अपने मुंह से, वो हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। और हमें ऐसे ही लगने लगता है कि ये हकीकत में इन्होंने अपना रोल अदा किया हुआ है। तो आज हम लोग इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, इनकी कहानी कह लीजिए आप लोग, या फिर आप देखिए कि इनकी बायोग्राफी कह लीजिए, आप लोग जीवनी कह लीजिए, या इनके बारे में एक सामान्य परिचय के लिए कह लीजिए। एक बार आप लोग इस पिक्चर को देख लीजिए, इसके बाद आप लोग दो पिक्चर और देख लीजिए। एक तो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो इस पिक्चर को जरूर देखा होगा। और देखिए, मैं किसी का, मेरा फेवरेट कोई एक्टर नहीं है, सीधा से सीधी सी बात है, लेकिन मैं, मुझे अगर किसी ने प्रभावित किया है तो देखिए, एक तो महाभारत में मुकेश खन्ना ने, यानी कि भीष्म पितामह का जो इन्होंने रोल निभाया है, दूसरा आप देखिए उसमें कृष्ण भगवान ने, और एक आप देखते हैं अर्जुन। तो ये तीन कैरेक्टर मतलब काफी अच्छे मुझे उसमें लगे हैं। और एक आप लोग और जानते हैं, और आज के समय में अगर हम बात करें तो सोनू सूद से काफी मैं प्रभावित भी हुआ हूँ, काफी मतलब उन्हें अच्छे काम लगे उनके, ठीक है। और इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा, अगर आप लोग बचपन में जरूर देखते थे इसे, शक्तिमान। अगर हम लोग मुकेश खन्ना के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 1958 में, यानी कि इनका जन्म आजादी के बाद ही होता है। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, और 1958 में इनका जन्म होता है। और इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। और अधिकतर फिल्म स्टार आपने देखा होगा ये मुंबई में ही रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में ही रहते हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो बीएससी इन्होंने की हुई है। आप सभी जानते हैं कि आप 12th के बाद, यानी कि 12वीं पास करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, मैथ लिए हुए होते हैं, या बायोलॉजी लिए हुए होते हैं, तो आप लोग बीएससी करते हैं। तो इन्होंने बीएससी की, और फिर इन्होंने एक्टिंग कोर्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि एक्टिंग कोर्स किया हुआ है। कहाँ से? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और आप सभी जानते हैं कि एक अभिनेता भी हैं और राजनीतिक भी हैं, ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप देखते हैं कि राजनीति में सक्रिय नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भारतीय जनता पार्टी, ना तो इनके पास कोई पद है अभी, आप देख भी रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि की, आखिर कौन सी वजह है कि हम सब आप लोग इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताया भीष्म पितामह, ये महाभारत की बात है, जो बी आर चोपड़ा ने इसे बनाया था, ये 1988 की बात है। और मैं तो कई बार देखा हूं महाभारत को, उसको और बड़ी अच्छी लगती है देखिए, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। समझ रहे? पर आप देखेंगे शक्तिमान, ये बच्चों के लिए था, फेमस टीवी शो रहा है, और बच्चों में काफी ये आप चर्चित रहा है। आप देखिए हर बच्चे के मुंह से आप लोग देखेंगे कि शक्तिमान का नाम जरूर आपको सुनाई देगा, जिनके पास टीवी या मोबाइल इस तरह के कोई उपकरण है। तो अगर हम लोग इनके पहले शो की बात करें तो ये तो प्रसिद्धि के इनके दो प्रमुख, आप देखिए, कैरेक्टर, या आप कह लीजिए जो भी इनकी एक्टिंग रही है इसमें। पहला शो की बात करें तो इन्होंने पहला शो हिंदी में रूही किया था, ये 1981 की बात है। अगर तेलुगु में हम लोग पहले शो की बात करें तो धाना था, धाना 51, 51, ये 2005 की बात है।
अगर हम लोग मराठी में इनके पहले शो की बात करें तो अर्ध गंगा अर्ध गोंदिया ये 2014 में इन्होंने किया था। मलयालम में भी इन्होंने एक शो किया था पहला राजा दी राजा, ये 2014 की बात है। टीवी शो की बात करें तो आप सभी जानते हैं महाभारत 1988 की बात है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो पहले शो है इनके, देखिए आप लोग कि तेलुगु में भी काम कर चुके हैं, हिंदी में भी, मराठी में भी, मलयालम में भी और कई टीवी शो में भी काम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं मुकेश खन्ना की सीरियल और धारावाहिक की। इनमें से काफ़ी के आप लोग नाम भी सुने होंगे और हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा। तो महाभारत, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर भारत में आप लोग रह रहे हैं तो महाभारत के बारे में आप लोगों ने ना पढ़ा हो ना देखा हो। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से कह रहे, मतलब जो भी एक्टिंग मिली है बहुत अच्छे से इन्होंने उसे निभाया भी है। इसी तरह आप देख लीजिए रामायण को देख लीजिए, उसमें आपने देखा है कि राम को जो रोल मिला है उसमें आप देखेंगे ऐसा लगता है सभी, अभी भी आप जानते हैं कि सभी उन्हें भगवान ही मानते हैं कि सच में यही भगवान है। फिर आप देखेंगे चंद्रकांता, चंद्रकांता ये 1994 से 96 के बीच बनी थी। फिर आप देखेंगे विश्वामित्र, ये 1995 की बात है। शक्तिमान ये आप देखेंगे 1997 से 2005 तक रहा है और अब इसका दूसरे पार्ट के आने की भी बात हो रही थी, अब देखिए क्या होता है। एक इनका सीरियल है आर्यमान, ये 2002-03 की बात है। फिर आप लोगों ने सुना होगा सस सह फिर कोई, ये 2009 की बात है। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा, ये 2012-13 में इन्होंने सीरियल किया हुआ था। हमारा हीरो शक्तिमान, ये 2013 की बात है, ठीक है। इनकी कुछ मूवियाँ भी हैं, फिल्म भी हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। रूही ये आपकी 1981 में आई हुई थी। वक्त के शहजादे ये 1982 की बात है। दर्द ए दिल 1983 की बात है। सौगंध 1991 की बात है। फिर आप देखेंगे सौदागर 1991 की बात है। फिर आप देखेंगे तहलका, ये मूवी इनकी 1992 में आई हुई थी। यालगार 1992 में आई हुई थी। रखवाले 1994 में आई हुई थी। बेताब बादशाह ये 1994 की बात है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ये 1994 की बात है। और जो आप लोग देखते हैं ना कि नसरुद्दीन शाह हैं और शक्ति कपूर हैं, इनके क्लासमेट रहे हैं। और आप देखते हैं शक्ति कपूर को तो आप लोगों ने कई मूवियों में देखा होगा, कॉमेडी के तौर पर भी आप लोग देखते हैं उन्हें। मैदान ए जंग ये 1995 की बात है। पुलिस वाला गुंडा ये 1995 में। बाल ब्रह्मचारी 1996 की बात है। और याद रखिए बाल ब्रह्मचारी ही बने रहे, इन्होंने शादी नहीं की हुई है, आप सभी जानते होंगे। और हेरा फेरी सन 2000 की बात है, सन 2000 में आई थी। मिशन मुंबई ये 2004 में आई हुई थी। राजा दी ये 2000 राजा ये 2014 में आई हुई थी। मनी बैक गारंटी ये 2014 में आई हुई थी। और 2014 को आप लोग इस नाम से भी जानते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, भारी बहुमत मिली थी इन्हें लोकसभा में, ठीक है। तो ये कहानी है, कुछ पॉइंट थे मुझे लगा कि बता देना चाहिए आपको, भीष्म पितामह या मुकेश खन्ना के बारे में। आप लोगों को अच्छा लगा हो या कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा बताइए, लेकिन मुझे तो देखिए भीष्म पितामह का रोल बड़ा अच्छा लगा और मैं उस रोल को कई बार देखा हूं। मतलब आप सोचिए कि बड़ा बिंदास रोल किया हुआ है, निभाया हुआ है जो भी मिला। चलिए देखते रहिए आप लोग, इस तरह के लोगों के बारे में पढ़ भी लेना चाहिए, कुछ हमें सीख ही मिलेगी। और याद रखिए रामायण हो या महाभारत, उसमें हर व्यक्ति ने जो भी रोल निभाया हुआ है उससे आप लोग कुछ ना कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं, हाँ ये भी बात कर लेनी चाहिए हमें, कई लोग बोलते हैं कि मनगढ़ंत कहानी है ऐसा महाभारत या आप देखिए रामायण हुआ ही नहीं है, राम कोई थे ही नहीं, भगवान कोई थे ही नहीं। तो यहां मैं दोनों बातों को बता देता हूँ। मान लीजिए श्री राम नहीं थे, चलिए आप लोगों की बात जो इस तरह की धारणा रखते हैं तो उनकी बात भी मान लेते हैं। तो आप सोचिए कि ये किस उद्देश्य से, मतलब ये पूरी मनगढ़ंत कहानी लिखी गई कि एक व्यक्ति को इस तरह का होना चाहिए,
एक महिला को इस तरह का होना चाहिए, भाई को इस तरह का होना चाहिए, दोस्त को इस तरह का होना चाहिए, माँ बाप को इस तरह का होना चाहिए, गुरु को इस तरह का होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि उन्होंने जैसा भी मनगढ़ंत बनाया हो या सही हो, हम लोगों के लिए सीख थी। समझ रहे हैं आप? देखिए, एक ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान श्री राम दशरथ के बेटा बनकर रहते तो वो श्री राम बनकर ही रह जाते। उन्हें पुरुषोत्तम श्री राम किसने बनाया? उनके कर्मों ने। और आप जो मूवियों में देख लेते हैं ना कि ये वनवास चले गए, लेकिन आप उस जगह अपने आप को रख के देखिए कि एक राजा के घर में आपका जन्म होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि आपको वनवास जाना पड़ता है, राजशाही जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं आप, और कितना मुश्किल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे और आपके लिए ही कि आगे इस तरह का रोल हमें जिंदगी जीनी चाहिए। तो रामायण मुझे लगता है कि जीवन जीने की एक तरह से हमें बताती है कि ये जिंदगी होनी चाहिए। आप देखिए कि पत्नी का हरण हो जाता है, आज का कोई होता या राजा महाराजा, उस समय भी आप देखते थे कि दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकते थे, वो सोचते तो सीता को छोड़कर किसी और से शादी कर लेते थे, कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आपने देखा है कि उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपना पुरुष धर्म निभाया। इसी तरह आप लोग सीता को देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि एक सोने की लंका खड़ी हुई है, एक राजा जैसी जिंदगी है, वहां रानी बनने की बजाय फकीरों जैसी जैसी अपनी जिंदगी थी उन्होंने गुजारना पसंद किया। आप देखिए कि इतना लालच अगर आज के समय किसी के सामने रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि हरण करने या उनका अपहरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग मेरा कहने का मतलब ये रहा है? तो आप लोग हर कैरेक्टर से मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह आप लोग महाभारत को देख लीजिए, इसमें भी आप देखिए कि सत्य किस तरह से साथ कौन किसका धर्म मतलब जीत होती है। आप समझिए, मतलब आप हर कैरेक्टर में अगर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरूर मिलेगा। यानी कि आप कहिए कि मनगढ़ंत कहानी है तब भी हमारे लिए सही है, और अगर ये सच था तब भी हमारे लिए सही है, हमारे लिए ही ये एक तरह से बनाई हुई है, हम आपके लिए इंसानों के लिए, कि सत्य के मार्ग पर चलना, अंत में सत्य की जीत होती है और लास्ट में जाना सबको है, इसलिए कर्म अच्छे करिए, कर्म ही हमारे याद रखे जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को जानना चाहिए। वही मेरा हाल है कि मैं तो मानता हूं कि देखिए दोनों पहलू आप लोगों के लिए ही है। इसी तरह आप देखते हैं कि पीपल का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं कि उसे काटा नहीं जाता है, काटना नहीं चाहिए। अभी आप लोग जो धार्मिक धर्म में भरोसा करते हैं उनसे अगर आप लोग पूछेंगे तो कहेंगे कि धर्म इसमें भगवान निवास करते हैं या कोई आत्मा या कोई और निवास करता है, इसलिए पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अगर हम लोग साइंस के किसी साइंस वाले विद्यार्थी से या गुरु से पूछेंगे तो वो साफ कहेगा कि ये ऑक्सीजन देता है इसलिए नहीं काटना चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, पीपल के पेड़ को बचाना। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपका पीपल का पेड़ ही देता है, कहते हैं कि 24 घंटा ये ऑक्सीजन देता रहता है। समझ रहे हैं? तो उद्देश्य एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो यही कहानी है, मुझे लगता है कि इनसे आप लोग काफी अच्छा सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। और फिर रही वही बात कि हो सकता है कि आप 200 साल जी जाएं, मैं 25 साल 30 साल बाद चला जाऊं, लेकिन हम कितना जिए हैं ये मुझे नहीं लगता है कि मायने रखता है। मायने रखता है हमारे कर्म क्या रहे हैं। और यहाँ ना तो हमारे पिताजी की धरती है स्थाई, ना तो आपके, जाना तो सबको ही है। खैर, हम लोग ये ज्ञान की बातें नहीं दे रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, सुन लिया करिएगा। चलिए, हम मिलते रहेंगे, राम के कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे हम लोग एक दिन, जब भी टाइम मिलता है उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको लगता है किसी और की बात करनी चाहिए तो बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। आपके पास भी अगर कुछ सुझाव हुआ करेंगे, कुछ पॉइंट हुआ करेंगे तो आप भी बताया करिएगा, मिलजुल के हम लोग करेंगे सबका। ठीक है,